सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक स्टॉक से जिसने की सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है, और हम फोकस यहाँ पर कर रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों पर, हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो मिड कैप 500 कंपनियाँ, वो चुनिंदा स्टॉक्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली इस स्टॉक में, अगर जनवरी से लेकर अभी तक की बात करें तो 98% की तेज़ी इस स्टॉक में कमाई है। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक ये था, और इसके पीछे भी वजह भी काफ़ी सारे थी। MSCI की इंडेक्स की जब समीक्षा हुई थी उस समय स्टॉक को एंट्री भी मिली, उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोज आए, और हमने देखा कि ये भी एक ट्रिगर था जिसके चलते स्टॉक में हमने तेज़ी देखी। विजय जी, ओरेकल फाइनेंस क्या सलाह देंगे? 98% चल चुका है, अभी भी क्या मौके हैं इसमें एंट्री लेने के लिए? ये स्टॉक मैंने आप ही के चैनल पे करीब करीब 4550 पे रिकमेंड किया था, और डिप्पी जी थे शो पे उस दिन, और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और हो सकता है, आपको करीब करीब 8800-700 तक जाता हुआ देखे, मगर वहां पे एग्जिट करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे एक गैप है बहुत बड़ा, और ये एक लगभग एक सिद्धांत है कि गैप भरने के लिए स्टॉक्स आते हैं नीचे। हालांकि कंपनी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, मगर फिर भी एक टेक्निकल करेक्शन मुझे दिखाई देता है स्टॉक में। तो अभी आप जैसे ही ऊपर जाता रहता है 8600-8700 पे, आप इसको बुक करके मुनाफा बांधे और फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, और जब ये करेक्शन हो जाए तब इसमें आप खरीदारी करें। ठीक है, तो करेक्शन में एंट्री करने की सलाह है ओरेकल फाइनेंस में, और जिनको मुनाफा हो रहा है उन्हें अपना मुनाफा भी बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक होगा IIFL फाइनेंस का, और यहाँ पर हमने देखा कि भारी गिरावट देखने को मिली। ऑफकोर्स खबरें भी थी यहाँ पर, खबर के चलते हमने केवल 12 सेशन में देखा कि स्टॉक 40% से ज़्यादा टूट चुका था। वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी नहीं हो पाई, RBI का बैन लगा, और इनका जो मेन कारोबार था गोल्ड फाइनेंस का, वहाँ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया उस बैन के बाद। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन काफ़ी सारे आए, थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नेगेटिव में ही है अपने अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो, और 44% नीचे है ये स्टॉक अगर अभी 2024 की बात करें तो। यहाँ पर विजय जी आपकी सलाह लेंगे, IIFL फाइनेंस क्या कोई उम्मीद है इस स्टॉक में? क्योंकि हमने तो मैनेजमेंट से भी बात की थी, तमाम कमेंट्री को सुनते हुए क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा स्तर पर एंट्री कर लेना चाहिए, अब यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है स्टॉक में? देखिए, अगर RBI बहुत स्ट्रांगली आया है NBFCs के अगेंस्ट, चाहे वो IIFL हो, भाई गोल्ड फाइनेंसिंग में तो मुथूट भी है, मनापुरम भी है, तो उनके साथ क्यों नहीं हुआ? IIFL में शायद कुछ उन्होंने देखा होगा जो पेटीएम में देखा, पेटीएम में ईडी की जांच भी हुई, और ये भी देखा गया कि बहुत सारे खाते खुले हैं एक ही पैन कार्ड पे, तो कहीं ना कहीं लैप्सेस थे कंप्लायंसेस में, और जहां पे भी कंप्लायंसेस में लैप्सेस हैं या होंगे वहां पर दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में बहुत सारे दूसरे मौके हैं तो क्यों IIFL ही पे हम लोग फोकस करें, और जो लोग अनफॉर्चुनेटली फंस गए हैं स्टॉक में उनके लिए मैं जरूर कहूंगा थोड़ा वेट करिए, हो सकता है कि चीजें चेंज हो, बट फिलहाल तो मैं कहूंगा बिल्कुल दूर रहे। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, मेटल्स में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मुझे, डिफेंस में दिखाई देती है, बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। तो IIFL तो बिल्कुल आप अभी हाथ ना लगाएं, कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टॉक में कभी हाथ ना लगाएं, और ये अनफॉर्चुनेट होता है कि जो रेगुलेटर है कई बार इतना स्ट्रांगली आते हैं तो स्टॉक्स कई बार रिकवर कर जाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते, तो वाई टू टेक अ चांस। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें IIFL फाइनेंस को। राइट, बिल्कुल सही बात है, IIFL फाइनेंस को फिलहाल अवॉइड करिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, और जब तक वहाँ पे ठीक तरीके से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक इस स्टॉक से दूर ही रहिए। तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है, जिनके पास है कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। अब एक और बढ़त वाले स्टॉक की बात कर लेते हैं, और अगला स्टॉक है MRPL। विजय जी आप ही से सवाल होगा, 66% ये स्टॉक चल चुका है MRPL का, अब यहाँ से आगे की चाल कैसी रह सकती है MRPL में, क्या और तेजी के लिए एंट्री ले सकते हैं? देखिए, अभी जो मुझे चार्ट्स भी मैं पढ़ पा रहा हूँ और फंडामेंटली भी मैं देख पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अगर आप इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो 9 का है, इसके अंदर ROC 20 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 31 की है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सितंबर 23 से दिसंबर 23 में 24 सितंबर 23 में जहां पे
19,230 करोड़ का सेल्स था, वो 24,667 करोड़ का हो गया है। टीटीएम नंबर्स भी मोर लेस ठीक ही दिख रहे हैं। ईपीएस ग्रोथ है, ये एक मेरा बड़ा प्रिंसिपल है कि मैं ईपीएस ग्रोथ देखता हूँ कंपनीज में, तो निरंतर इसमें साल दर साल पिछले 2-3 सालों से ईपीएस ग्रोथ, 4 सालों से ईपीएस ग्रोथ दिखाई दे रही है, और जहां पे भी ईपीएस ग्रोथ होती है तो कंपनी जनरली ठीक कर रही होती है। तो मैंगलोर रिफाइनरी को तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई फ्रेश भी लेना चाहता है तो ले सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 300, और जिन्होंने ले रखा है बिल्कुल होल्ड करिए। ठीक है, तो 300 के टारगेट के लिए MRPL में आप एंट्री भी ले सकते हैं, और अगर जिनके पास है वो होल्ड करके चलिए स्टॉक में। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर, ये स्टॉक 30% टूटा है, लेकिन फर्टिलाइजर शेयर पर क्या व्यू, और दीपक फर्टिलाइजर में क्या करें? देखिए, मुझे लगता है जितने भी एग्री रिलेटेड या फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनी थी, बहुत अच्छी गिरावट दिख चुके हैं। 25-30% तो एवरेज हम देख पा रहे हैं कि गिरावट है, बट ये गिरावट हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। मुझे लगता है एक्यूमुलेशन जोन में स्टॉक है, कंसोलिडेट हो रहा है। कभी भी स्टॉक कंसोलिडेट होता है नीचे गिर के तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं कहूंगा कि इसमें आप निबलिंग शुरू कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग शुरू कर सकते हैं। तो मुझे फर्टिलाइजर में आरसीएफ भी बहुत अच्छा लगता है, चंबल फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छा लगता है। तो इन स्टॉक्स में आप धीरे धीरे बाइंग शुरू करिए, इवन दीपक फर्टिलाइजर्स भी, चार्ट्स लुक्स वेरी गुड। तो पूरा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा 25-30% करके अभी यहाँ ओके, पर आप इस बाइंग। पर आपकी राय चाहिए। एक तो है हुडको जो कि चढ़ा 46% से, और दूसरा स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर कि 28% की गिरावट देखने को मिली है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस और हुडको दोनों पर अपनी सलाह दीजिए। मुझे लगता है हाउसिंग मार्केट में अभी तो जो गर्मी आई है उसमें काफी गर्मी बची हुई है। रीजन उसका क्या है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे तो मुझे लगता है हाउसिंग मार्केट और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और हुडको डेफिनेटली एक अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग मार्केट से रिलेटेड कंपनी है। तो मुझे लगता है कि गिरावट में यदि आपको 150-60 के लगभग मिलता है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है जहां पर इसको खरीदा जा सकता है लंबी अवधि के लिए। संभावना अच्छी है कि ये आपको 200 जाता हुआ दिखे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जहां तक बात है, देखिए इन जितने भी छोटे बैंक्स थे, इवन बड़े, अगर आप एचडीएफसी को देखें, कोटक को देखें, आईसीआईसीआई के अलावा हमने बहुत सारी मेजर करेक्शंस देखी है। एक बड़ा क्लटर्ड मार्केट हो चुका है बैंकिंग का, और यहाँ पर पैसा बनाना, कासा डिपॉजिट्स बढ़ाना, अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ाना, लोन बुक बढ़ाना विदाउट डाइल्यूटिंग दी यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो गिविंग अ गुड गुड एसेट क्वालिटी, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी चलते हुए मुझे लगता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो फिलहाल दूर रहें। अगर आपको खरीदना ही है तो आप कोटक खरीदें, एचडीएफसी खरीदें, वो ज्यादा बेहतर और सेफर बेट्स हैं रादर देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी बहुत सारे हाल फिलहाल पिछले 3-4 सालों में स्मॉल फाइनेंस बैंक का है हमने देखा, मगर कहीं पे भी मेरे को कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको रहना है तो बड़े बैंकों में रहें, सरकारी बैंकों में रहें। सरकारी बैंक ज्यादा सेफ लगते हैं। एक बैंक ऑफ इंडिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंडियन बैंक है अच्छा लगता है, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इवन एसबीआई, यहाँ पे भी बुराई नहीं है। तो आई वुड से कि बेहतर है बड़े बैंक्स में रहें या सरकारी बैंक्स। बिल्कुल। पार्ट